दिसंबर में ऑटो बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल ऑटो संगठन सियाम के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में गाड़ियों की बिक्री गिरकर 16 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। स्कूटर्स, मोटरसाइकिल और कार सहित ज्यादातर सेक्टर की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। दिसंबर में कुल गाड़ियों की बिक्री 18.66% गिरकर 12,22,000 यूनिट रही, जबकि दिसंबर 2015 में कुल गाड़ियों की बिक्री 15 लाख से ज्यादा रही थी। साल 2000 के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट है। 2000 में गाड़ियों की बिक्री करीब 22% गिरी थी। शहरों में आप राशन खरीद कर उसका पेमेंट कार्ड या फिर दूसरे तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन गांव का क्या? उस 40 करोड़ की आबादी का क्या? वो कैसे पेमेंट करेंगे, क्योंकि उनके पास ना तो कोई कार्ड होता है ना कोई और जरिया। दरअसल UIDAI ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए गांव के राशन की दुकानों को आधार से जोड़ने का फैसला किया है। तो देखिए क्या है कैशलेस की नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग। गांव देहातों में सरकारी राशन की दुकानें भी अब कैशलेस होने जा रही हैं। सरकार ने PDS के तहत राशन देने वाली दुकानों को आधार पे से जोड़ने का मेगा प्लान तैयार किया है। मतलब ये कि इन दुकानों के सामान लेने के बाद सिर्फ अंगूठा लगाकर आप पेमेंट कर सकेंगे। इसके लिए UIDAI सभी राशन की दुकानों को सब्सिडी पर बायोमेट्रिक रीडर देगी। ये बायोमेट्रिक रीडर दुकानदारों के स्मार्टफोन से जुड़ा होता है, जिसके जरिए सिर्फ अंगूठा लगाकर आधार के जरिए पेमेंट किया जा सकेगा, जिसकी डिटेल दुकानदार के स्मार्टफोन पर आ जाएगी। इसके लिए गांव के लोगों के पास स्मार्टफोन होना जरूरी नहीं है। देश भर में 5,35,000 राशन की दुकानें हैं, जिससे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 40 करोड़ लोग राशन खरीदते हैं। इन दुकानों में से सिर्फ 91,000 के पास ही POS मशीनें उपलब्ध हैं। फिलहाल एक बायोमेट्रिक रीडर की कीमत 2,000 से 3,000 रुपए के बीच पड़ती है, जिस पर अगर सब्सिडी दी जाए तो कैशलेस की मुहिम को गांव-गांव तक तेजी से फैलाया जा सकता है। यही UIDAI की योजना है। इसके लिए RBI और NPCI के साथ मिलकर UIDAI कॉमन ऐप बनाने पर काम कर रहा है। सरकार पहले ही आधार के जरिए पेमेंट लेने वाले दुकानदारों के लिए स्कीम लॉन्च कर चुकी है, जिससे उनको हर पेमेंट पर 0.5% की छूट मिलती है। UIDAI अभी देश में राशन दुकानों की सटीक संख्या और उन पर सब्सिडी के खर्च का आकलन करने में जुटा है। इसके बाद आधार पे ऐप को लॉन्च किया जाएगा। उम्मीद है कि आधार पे को नए नवेले भीम ऐप के साथ जोड़ दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।